अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम जनरल साइंस GSC 101 का केमिस्ट्री के सेक्शन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर 16 केमिस्ट्री, लेक्चर 2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री का मैटर और केमिस्ट्री का आपस में क्या रिलेशन है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर एंड चेंजेस दैट अकर इन इट, यानी कोई मैटर जो है उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन केमिस्ट्री वी आल्सो स्टडीज थ्योरीज, लॉज एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू चेंजेस इन मैटर, यानी मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में हम ये सारी थ्योरीज, लॉज और प्रिंसिपल पढ़ेंगे। मोर प्रिसाइजली इन केमिस्ट्री वी स्टडी केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, यानी उसकी केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकली कुछ चीज़ें जैसे टेम्परेचर, हीट, ये सब कुछ चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है उस पर, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। इन दिस लेक्चर आवर फोकस इज ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर मैनी कॉन्सेप्ट दैट आर यूज्ड इन केमिस्ट्री। द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड एटम, मॉलिक्यूल, आयन, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, सिंबल्स, फार्मूलाज, इक्वेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर, मॉलिक्यूलर मास, मोल, एट्सेट्रा। ये आपने चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई हैं, तो आगे फर्दर डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ने से पहले एक दफ़ा इनका गो थ्रू है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, छोटी छोटी इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। जैसे मैटर क्या है, आप सबको पता है कोई भी चीज़ जो है जो स्पेस घेरती है, जगह लेती है, वो मैटर होती है। मैटर इज़ एनी सब्सटेंस दैट हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस, that is anything that has mass and volume. All that we see around us or we can feel by touch are material substance. Mass is the quantity of matter that a substance contains in it. Volume is the space that a body occupies. ये सबको पता है, इसलिए बहुत सी चीज़ें जो आपको वो पता है, बस यहाँ पे इनकी रिवीजन चल रही है। Next, physical states. Matter exists in 3 physical states. यूजली 4 स्टेट्स हैं, मतलब यहाँ जो हम अक्सर 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये अर्थ पे पाई जाती हैं। जबकि जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है वो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, वो भी आपने पढ़ी होगी मैट्रिक और इंटर में। प्लाज्मा होती है 4th स्टेट ऑफ मैटर, जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है, लेकिन अर्थ पे वो मिनिमम पाई जाती है। There are solid, liquid and gas. In solids, particles are very close to one another. ये आप सबको पता है कि particles solid में सबसे ज़्यादा close होते हैं, liquid में उससे कम, और gases में बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। In gases, the particles are very away from one another. In liquids, the situation is intermediate, यानी उनमें situation इसमें दरमियानी होती है। A substance can be changed from one physical state to another. जी, कुछ substance जो होते हैं हम उनको लिक्विड से गैस और लिक्विड से सॉलिड भी कर सकते हैं। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट उनमें लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, डायरेक्ट सॉलिड और गैस, उसको सब्लिमेशन कहते हैं उस रिएक्शन को। तो इस तरह है कि एक मटेरियल जो है वो लिक्विफाई भी किया जा सकता है, गैस भी बनाया जा सकता है। आइस, लिक्विड, वाटर एंड स्टीम आर 3 फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, यानी पानी की 3 चीज़ें बयान करती है। एक वो जो ड्रिंकेबल पानी होता है, एक बर्फ़ होती है और एक जो स्टीम होती है, ये तीनों पानी की स्टेट्स हैं। नेक्स्ट, एटम। इस प्रीवियस चैप्टर में भी एटम को बड़ी डीपली स्टडी किया गया था, इधर छोटी सी उसकी डेफिनेशन दी हुई है। द एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन ऑल केमिकल रिएक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम: electrons, protons and neutrons. The electron is a very small particle, it has negative electric charge. The proton is a positively charged particle which is much heavier than electron. Neutron is an electrically neutral particle, it is heaviest among the 3 particles. Protons and neutrons are found in the center of an atom and collectively constitute a body called nucleus. ये सारा कुछ आपको पता है और electrons revolve around the nucleus ये भी आपको चीज़ें पता है. इस प्रीवियस चैप्टर में बात हुई थी पीरियोडिक टेबल की. वहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना नहीं हुआ था, यहाँ पे आपके पास पीरियोडिक टेबल बना है. आपको ये अगर ब्लर लग रहा है, सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, वहाँ से भी आ जाएगा. और लड़की केमिस्ट्री की बुक में भी पूरा पीरियोडिक टेबल जो है बना हुआ है. Next, atomic mass. An atom is a very small particle, but it also has mass. बहुत छोटा है लेकिन उसका mass होता है. The quantity of this mass is very small. Atomic mass is the mass of one atom of an element and is defined as follows: the relative average mass of one atom of an element, which tell us how heavy or light is that atom with respect to one atom of carbon. This unit is called AMU or atomic mass unit. One atomic mass unit is 1/12 of the mass of the carbon 12. One AMU is equal to 1/12 multiplied by mass of one atom of C12. In this unit, carbon 12 is chosen as standard. Carbon 12 is the most abundant isotope of carbon. For example, the atomic mass of hydrogen is 1.008 AMU. Molecular mass. By molecular mass, we mean the mass of a molecule. एक molecule है, उसका कितना mass है? It is the sum of atomic mass of all the atoms of all elements present in a molecule. We can calculate the molecular mass of water, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ग्लूकोज एज फॉलोज. कोई भी अगर आपने किसी का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो सबसे पहले आपको उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए. जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, तो हाइड्रोजन का आपने इसमें पुट करना है और ऑक्सीजन का. हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन इसलिए 2. ऑक्सीजन का होता है 16, तो 18 AMU. इस तरह H2SO4 में आपको हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए. हाइड्रोजन का 1, तो 2 हैं इसलिए 2 आ गया. सल्फर एक है 32. ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4 सबको सम किया तो 98. इसी तरह ये आगे ग्लूकोज का लिखा हुआ है C6H12O6, तो हर किसी पे जैसे कार्बन के 12 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. हाइड्रोजन का 1 है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऑक्सीजन के 16 को 6 से और इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा सबको सम करेंगे, 180 AMU आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट, मोल. अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ मोल. इट इज द एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और फार्मूला मास expressed in grams. For example, 18 grams of water is 1 mole of water. The Avogadro's number is the number of particles that is found in 1 mole of a substance. Its value is 6.02 into 10 raised by 23. It is a huge number. If a person has eaten 180 grams of glucose, he has eaten 6.02 into 10 raised by 23 of glucose molecules. Formula mass. The formula mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atoms present in the formula of that substance. For example, formula of NaCl is, formula mass of NaCl is Na. Sodium ka hota 23, chlorine ka hota 35.5, तो 58.5 ये इसका formula mass आ जाएगा. Molecular mass ये भी हम पीछे अभी पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे इन्होंने रिपीट कर दिया है, वरना ये मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं. वही चीज़ यहाँ इन्होंने दोबारा लिखी हुई है. अब चलते हैं नेक्स्ट, आयन. आयन हम अभी प्रीवियस चैप्टर में भी यही पढ़ चुके हैं. आयन्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन्स को कैटायन्स कहते हैं, नेगेटिव आयन्स को एनायन्स कहते हैं. कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज आइटम जो है वो आयन होता है। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन आयन। इट हैज़ टू टाइप्स, कैटायंस और पॉजिटिव आयंस and anions or negative ions. If positive is a cation where Cl negative is an anion. Ions may be simple or compound. Simple ion consists of a single atom, but a compound ion is comprised of two or more atoms. For example, Na positive is a simple ion, but SO2 negative is a compound ion. Now molecule. An atom or a group of bonded atoms which can exist independently. One molecule of helium consists of one atom of helium. It is a monatomic molecule. The molecule of other noble gases are also monatomic. One molecule of water, H2O, consists of three atoms, so it is a polyatomic molecule. Diatomic भी होते हैं, जैसे फ्लोरीन्स होती हैं, क्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, जितने भी हेलोजन्स हैं और इस किस्म के, और जैसे ऑक्सीजन भी है O2, ये क्या है डायटोमिक है। एटॉमिक नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, सोडियम इज 11, आयरन इज 26. All the atoms of an element have the same atomic number. mass number उनका different होता है, उसके isotopes का different हो सकता है, क्योंकि mass number जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करके होता है, और एक ही एलिमेंट के different isotopes हो सकते हैं जिनमें न्यूट्रॉन different होते हैं। The total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number of that atom. The mass number of carbon-12 is 12. It has 6 protons and 6 neutrons. Atoms of any element may differ in the mass number. Isotopes. The atoms of the same element having different mass number are called isotopes. Isotopes of an element have equal number of protons but different number of neutrons. Hydrogen element has 3 isotopes. They are called ordinary hydrogen or protium, deuterium or heavy hydrogen, and tritium or radioactive hydrogen. Ordinary hydrogen has no neutron, deuterium has 1 neutron, tritium has 2 neutrons. Element. An element is the simplest form of matter which cannot be converted into simpler forms by any physical or chemical means. If in a collection of atoms, all atoms have the same atomic number, they all belong to the same element. For example, sodium, iron, oxygen, etc. are elements. If you look at a periodic table, you will see elements in it. हम periodic table की तरफ जाते हैं। ये है पीरियोडिक टेबल, जैसे लिथियम, सोडियम, ये पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इसी तरह ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी सारे जितने भी हैं, और ये लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये सारी जो हैं ये एटम्स, वो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना SPDF, तो ये F ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये एस ब्लॉक होता है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस ब्लॉक एस सब शेल में आते हैं, इसके आउटर मोस्ट वाले डी में आते हैं, इसके वाले पी में आते हैं, इसके वाले एफ में। If you look at periodic table, you will see elements in it. Elements are of many types. They have different physical state. Today more than 110 elements are known. Of these, 90 elements occur naturally. Other elements have been formed in nuclear reactors through nuclear reaction. Majority of elements are metals, but many elements are non-metals. There are some elements which have properties in between metals and non-metals, यानी उनमें कुछ properties metals की होती हैं, कुछ non-metals की होती हैं, उनको हम metalloids कहते हैं. They are given the name metalloids. Metals are elements which have high electropositivity. हाँ, जिस electropositivity का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज बनना, पॉजिटिव आयन बनना प्रेफर करते हैं, या कह लो ईजीली वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को कैच करने के लिए ज़्यादा होता है। जैसे कि क्लोरीन जो है या हेलोजन फैमिली जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, उन्होंने आसानी से क्या करना होता है, अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस नियरली कोई भी अपनी करीबी नोबल गैस की कंट्रीब्यूशन अटेंड कर लेते हैं। और जो होती हैं फर्स्ट साइड पे ये जो है ये वाली चीज़ होती है अल्कली मेटल्स। ये मेटल्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अब ईजीली एक इलेक्ट्रॉन दे के अपने नियरेस्ट गैस कन्फिगरेशन, जैसे लिथियम एक देगा तो वो हीलियम की तरह का बन जाएगा, सोडियम एक निकालेगा वो नियोन की तरह बन जाएगा क्योंकि ये भी 10 हो जाएगा वो भी 10 है। इसी तरह फ्लोरीन एक लेगा तो वो नियोन की तरह का बनेगा। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं और ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। They easily lose electrons and have shining surface. For example, copper, silver, gold and metals. Non-metal are generally less electropositive and more electronegative. Compound. A compound is a substance that is formed by chemical combination of two or more elements in a definite ratio. For example, H2O and common salt NaCl are compounds. At present, many millions of compounds are known. Both elements and compounds are pure substance. Elements are represented by symbols and compounds are shown by chemical formula. Mixture. When two or more substances are mixed in any ratio in a manner that no chemical combination occurs, is called a mixture. जैसे कि आप घर में कोई भी चीज़ों को आपस में ज़्यादा सारी चीज़ों को आपस में मिला दें, काट के रख सब, कोई सब्ज़ी है, कोई नमक मिर्च मसाले हैं, उनको मिक्स करते हैं तो वो एक मिक्सचर है। केमिकल रिएक्शन तो होगा ना कि आपने केमिकल लैब में जाके उसको कुछ, या आप वैसे जनरली हीट टेम्परेचर दे दिया, हीट ट्रीटमेंट दे दिया, वो केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। मिक्सचर इज़ अ मिक्स सब्सटेंस फॉर्म बाय द फिजिकल combination of two or more substances, elements or compound. For example, A is the mixture of nitrogen, oxygen and some other gases. The mixture of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. A homogeneous mixture has uniform composition. It is also known as solution. For example, mixture of salt. Water is homogeneous mixture. In homogeneous mixture, one thing is completely dissolved in another substance. On the other hand, a heterogeneous mixture does not have uniform composition. For example, a mixture of sand and water is heterogeneous mixture. यानी उसमें से उसको अलग किया जा सकता है। मिक्सर दो किस्म के होते हैं ना, एक ऐसा मिक्सर है जिसमें से आप उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, एक होता है आप उसको अलग नहीं कर सकते। अब आपने ऐसी चीज़ें हैं आपने उनको अलग कर लिया आसानी से तो हम कहेंगे हेट्रोजीनियस है। अगर ऐसा है कि वो अलग नहीं किया जा सकता तो वो होमोजीनियस है। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज केमिकल चेंज दैट इन्वॉल्व्स वन और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड। केमिकल रिएक्शन वो होता है जब आप उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है, वो कुछ और बन गया है, चाहे उस एलिमेंट में ही कोई चेंजिंग आ गई या वो किसी और एलिमेंट या कंपाउंड में चेंज हो गया। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन और फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। वन और मोर सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंज and form one or more new substance. The substance before the reaction is called reactants, and the substance that are formed as a result of reaction is called products. यानी जो जिनसे मिलके कोई चीज़ हमने बनानी है या कह लें केमिकल रिएक्शन से पहले जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमारे पास बन के आया है वो प्रोडक्ट्स हैं। केमिकल रिएक्शन को हम एक एरो साइन से डिनोट करते हैं, जैसे कि ये बना हुआ है, उससे पहले रिएक्टेंट्स होते हैं, बाद में प्रोडक्ट्स होते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज शोन बाय अ केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स एंड एरो साइन। अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। Balanced chemical equation is that in which the number of atom of all elements involved in the reaction are equal on both sides of the equation. That is, the number of atom of an element in the reactant must be equal the number of atoms of element that in the product. Look at the following equation. Is it balanced? H2 plus Cl2 is gives us HCl. अब ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो दो हैं, हाइड्रोजन के भी दो हैं, इधर क्लोरीन के भी दो हैं, इधर क्या है एक ही है। तो अगर हम इसके साथ 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। नो, इट इज़ नॉट बैलेंस। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ, ये वही चीज़ लिखी हुई है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, मैंने जो आपको करके बता दी है, इन्होंने बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख दी है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।